उस फ्रेशनेस को देखने में लोगों को बहुत मज़ा आया। ये वर्ड ऑफ माउथ इतना स्प्रेड हुआ कि ये बहुत अच्छा शो है, देखते हैं। डर थी कि मतलब जो खूबसूरती, जो मासूमियत सीज़न वन में था, वो सीज़न टू में मैं लेके आ पाऊँगा, चूँकि 2 साल हो गए थे। जो बंदा हमेशा मुझे मतलब ऐसे ही घर के मुर्गी दाल बराबर, तो इनके नज़र में थोड़ा अपना अच्छा हो गया है। पापा का तो कभी भी कॉल आ जाता है कि एक जगह निकली है इंजीनियर की और भर्ती हो रही है, तो करना है क्या। सोचा सेफ साइड के लिए अप्लाई कर देता हूँ, इजी टू क्रैक जॉब है। ग्रेजुएशन टाइम पे कोई एक जॉब होगी दिखाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बस अब वही एक जॉब हाथ में है। अरे हाँ विनोद जी, अगले हफ्ते सीट लग जाएगा, मैं खुद आके लगा के जाऊंगा। जब तक सीट नहीं लग जाता कहीं और जाके हक ले। कहाँ जाके हक ले? पंचायत ऑफिस में हक सकता है। अरे लेकिन आप लोगों के लिए ऑफिस है, मेरे लिए तो घर ही है। कभी यहाँ बारात टिकवा देते हैं, कभी किसी को हकने भेज रहे हैं, मतलब क्या प्रधान जी। ऐसा क्या था पंचायत में जो लोगों को दिल को छू गया एंड इट बिकेम सच अ ह्यूज हिट आपके हिसाब से? आई थिंक वही जो आपने बोला कि बहुत कम कहानियाँ हैं एंड सडनली वो गाँव की कहानियाँ देखी, गाँव की कहानी देखी और वो किस्से, तो आई थिंक वो फ्रेशनेस लोगों को बहुत, उस फ्रेशनेस को देखने में लोगों को बहुत मज़ा आया। एंड मुझे लगता है कि ये वैसा शो है कि आप पूरी फैमिली के साथ देख पाते हो और वो सब लोग वो कर पाए बिकॉज कोविड। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा रीज़न है कि उस टाइम पे ये वर्ड ऑफ माउथ इतना स्प्रेड हुआ कि ये बहुत अच्छा शो है, देखते हैं, सब लोग साथ में देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। पर एक अंतराल के बाद वही किरदार करना आसान होता है या पीस ऑफ केक होता है या चैलेंजिंग होता है आप दोनों के लिए? मतलब उतना आसान नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि एक बार जब तुम रीडिंग्स करते हो या रिहर्सल्स करते हो तो वो जब होती हैं तो उसमें वापस यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ ऐसे वो चीज़ें की थी और इस तरीके का रिदम था सीज़न वन में, और इस तरफ जो नई चीज़ें हैं वो तुम अडाप्ट करते हो कि अच्छा ये पिछले से नई है और ये पिछले जैसे ही करनी है। मुझे मतलब थोड़ी डर थी कि मतलब जो खूबसूरती, जो मासूमियत सीज़न वन में था, वो सीज़न टू में मैं लेके आ पाऊँगा, चूँकि 2 साल हो गए थे। तो मुझे सीज़न वन देखने पर है कि ये लड़का क्या हरकतें कर रहा है, ये कैसे। तो फिर जब स्क्रिप्ट आई और हम आए सेट पे, तो डे वन ही मुझे लग गया था कि मैंने सुर पकड़ लिया है, क्योंकि 2 साल के बाद शूट कर रहे थे। तो थोड़ा डर तो था, बट हम बहुत जल्द पीच पे आ गए थे, सही से सब कुछ मामला सेट हो गया था। US रिटर्न ने अच्छा खासा फोड़ा होगा, बता दे भाई क्या पैकेज मारा इंडिया में? 1.5 करोड़। क्या इतना? आप घर घर में आप लोगों को जाना गया, किस तरह से जिंदगी बदली है उसके बाद? मतलब हाँ, आई थिंक अब सब लोग मतलब ज़्यादा पहचानते हैं, हर घर में कह रहे पंचायत तुम्हारा है, वो बहुत अच्छा है। आई थिंक क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है समहाउ पंचायत, तो उसका फ़ायदा मिलता है कि कहीं तुम जाते हो तुम लोग मिलते हैं और तारीफ़ करते हैं, और वो जो कहानी में जो चीज़ें थी उनकी तारीफ़ करते हैं कि अच्छा वो लॉकी वाला वो बढ़िया था, या टंकी वाला वो बढ़िया था, वो रिंकी का क्या हुआ, वो क्या वो ट्रैक दोबारा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कैट का क्या हुआ, कैट निकला कि नहीं, तो वो सारी जब बातें होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। पहचान तो बहुत मिली, लेकिन मुंबई, दिल्ली या बाकी शहर की पहचान उतना मायने नहीं रखता मेरे लिए जितना मुझे गाँव के लोग पहचानते हैं। जैसे क्या है कि अब मेरी माँ है, तो मैं माँ के लिए अभी आपके लिए चंदन हूँ, उसके लिए मैं चंदनमा हूँ, है ना, ए चंदनमा। तो जब मेरी माँ के सामने कोई मुझे पहचानता है, या फिर अंकल के साथ मैं जा रहा हूँ बाजार मार्केट और वहाँ कोई मुझे अरे यार ये लड़का है, एक मिनट को थोड़ा हो जाए, तो वो मेरे लिए ऐसा लगता है कि यार जिन जो बंदा हमेशा मुझे मतलब ऐसे ही घर के मुर्गी दाल बराबर, तो इनके नज़र में थोड़ा अपना अच्छा हो गया है। तो वो खुशी उनकी आँखों में जब चमक देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ बेहतर हो गया, वरना मुंबई में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार। हाँ अच्छा, हाँ, थैंक यू सो मच। अब मैकेनिकल भी हो गया हूँ, थोड़ा ऐसा लग रहा है, अच्छा लगा काम, हाँ थैंक यू सो मच। एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं सबको। साला रोड ही बवासीर है। प्रधान जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि गांव का पूरा मेन रोड पक्का करवाएंगे, आज 1 तारीख आप फाइनल कीजिए, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे हम। क्या यार ये क्या उस बवासीर वाले स्लोगन को लेके अब तक लोड में है क्या? एक नंबर के बन रहा का आदमी, आप भी उसके बाद का ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। आईटी में ऐसा क्या होता है कि लोग फील्ड स्विच कर लेते हैं? वहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि हम अच्छे इंजीनियर्स नहीं। हम कुछ करेंगे तो पुल वुल गिरा देंगे, तो उससे बेटर है कि लोगों की जान बख्शी जाए और कुछ अच्छा किया जाए। तो नहीं मजाक कर रहा हूँ, आई थिंक बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं आईटी से। तो आई थिंक वही चीज़ें हैं कि वो फ्रीडम वहाँ पे मिलती है लोगों को कि हम कुछ और भी ट्राई करना चाहें तो एक सिक्योरिटी है, तो कुछ और एक ट्राई कुछ टाइम के लिए करके देख लेते हैं। वो क्लिक करता है अच्छी बात है, नहीं क्लिक करता है तो अपने वापस चले जाएंगे बोरी बिस्तरा लेके, तो वो बहुत वो एक फ्रीडम मिल जाती है उनको। शोल्डरिंग अ प्रोजेक्ट इज हर एक्टर का ड्रीम होता है, आपको ये मौका मिला है,
एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है? दोनों ही, मतलब अचीवमेंट वाली फीलिंग तो होती है क्योंकि मतलब जो तुम करने आए थे वो तुम्हें एक टाइम पे लगता था कि कैसे होगा, मैं कैसे किसी फिल्म का या किसी शो का या कैसे मैं कोई इतना एक अच्छा कैरेक्टर निभाऊंगा, तो वो सारे डाउट्स रहते हैं। तो वो जब डाउट्स क्लियर होते हैं कि हाँ ठीक है तुमने कुछ करने आए थे वो कुछ हो रहा है, उसी डायरेक्शन में कुछ तुम कर पा रहे हो, तो वो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग भी होती है। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब ऐसा मैं कुछ मतलब आई थिंक कि मतलब मैं कुछ ऐसा देश की रक्षा नहीं कर रहा हूँ एक्टिंग करके, तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती। बट हाँ, ये होता है कि हाँ ये चीज़ मैं अच्छी कहानियाँ बताते रहूँ, अच्छे कैरेक्टर्स करता रहूँ, यही इतना ही रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। आप दोनों के साथ कब हुआ कि फर्स्ट टाइम पोस्टर पे दिखा होगा मेरा चेहरा है एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कि यार मैंने कर लिया? आई थिंक हाँ, शुभ मंगल कोटा फैक्ट्री एंड शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में ये हुआ कि पहली बार पोस्टर्स देखे तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ऐसे ही मजाक में बोलते थे कि इस खिड़की से मेरा पोस्टर दिखना चाहिए, वो फाइनली खिड़की से तो नहीं दिखा, गाड़ी की खिड़की से दिखा कि हाँ चलो पोस्टर लग गए, तो बड़ा अच्छा फील होता है। बट हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त आती है तुम्हारी लाइफ में जब तुम थोड़े से न्यूट्रल हो चुके होते हो, मतलब वो टाइम लगता है जब वो एक्साइटमेंट होता है कि पोस्टर, तो उस टाइम पे पोस्टर नहीं होता है, जब तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है पोस्टर है अच्छी बात है एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, दैट्स इट, मतलब उसके बाद वो मोमेंट चला जाता है। बट हाँ, यू एंजॉय दैट मोमेंट। ये तो पंचायत ही था, पंचायत में ही इधर उधर कुछ पोस्टर मेरे थे तो अच्छा लगा। बट मैं छोटे शहर से हूँ तो मेरे लिए जो पोस्टर था कि बाज़ार जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पे कच्चे धागे विराट प्रदर्शन अपना एक पोस्टर लेकर गया तो मेरे लिए वो पोस्टर था कि बट जैसा अभी सर ने कहा ना कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ मतलब है अच्छा लगता है, हाँ ठीक है। हालांकि ऐसा भी कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, मतलब सिर्फ पंचायत में ही जो डिजिटल इधर उधर मैंने पोस्टर देखे हैं, कोई होर्डिंग चूँकि कोविड में आया था तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन जहाँ कहीं अगर पोस्टर दिख जाता तो अच्छा लगता। खेल खेल रहा है ना भूषण, दिखाते हैं उसको खेल। तुम पॉलिटिक्स समझ नहीं रही हो। दर्द तेरे बांट लो सैया। चप्पल की चोरी हुई है, FIR दर्ज होगा गांव के प्रधान के ऊपर। भर दो पर्चा, हम भी दिखाते हैं। सॉरी, दो बार हो गया, इसका भी हिसाब होगा। यू नो, आपके पैंट स्टार्टिंग में थोड़े हिचकिचा रहे थे कि आपने जब अपना ट्रैक चेंज किया, अब जब आपका जो ग्रोथ देख रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है आपको ऑडियंस से, तो उनका नज़रिया कितना बदला है एंड हाउ प्राउड दे आर नाउ? मतलब आई थिंक दे आर प्राउड, बट वो बहुत ऐसा शो नहीं करते हैं और वो तो अभी बोलते रहते हैं कि ये जगह निकली है तो इधर करना है क्या, अप्लाई करना है क्या, भरनी है क्या, तो पापा का तो कभी भी कॉल आ जाता है कि एक जगह निकली है इंजीनियर की और भर्ती हो रही है तो करना है क्या, या फिर इलेक्शन लड़ना है क्या, ऐसे कुछ चीज़ें उनको, वो कुछ कुछ अतरंगी जॉब्स लेके आते रहते हैं मेरे लिए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, दे आर रियली, मतलब उनको वो फील तो होता है कि हाँ जो ये करने निकला था वो कहीं ना कहीं हो रहा है, मतलब वो पता चलता है जब, मतलब बेसिकली मुझे लगता है पेरेंट्स तो सोचते हैं कि जो करना है करें, बट वो जो सोशल प्रेशर होता है ना कि अरे क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, क्या हो रहा है, तो आई थिंक वो जब आसपास वालों से ये सुनने में आता है कि अरे अच्छा तुमने पंचायत देखा क्या, या तुमने वो देखा क्या, अरे पंचायत उसने बहुत अच्छा किया, तो तब उनको शायद अच्छा फील होता होगा। वो ये पूछ लेते हैं कि नया क्या आ रहा है, वो हमेशा आगे सोचते हैं कि अब क्या है, मतलब पार्टी कब हो रही है कब कुछ नया आ रहा है। आपका लव ट्रैक भी है जो हाँ, हमने पिछली बार मिस किया था, तो यू नो कहते हैं कि हिंदी फिल्म का हीरो होता है उसमें रोमांस ज़रूरी होता है, कितना एंजॉय किया रोमांस ऑन स्क्रीन? आई थिंक हाँ, मतलब मैं वही बताना चाहूँगा कि ऐसा एक्सपेक्ट मत करके बैठना कि ऐसा कुछ लव स्टोरी होगी और ऐसा कुछ एक गाना होगा, बट हाँ एक अलग तरीके का जो हमारे राइटर हैं चंदन, उन्होंने एक बहुत डिफरेंट चीज़ें की, एक कैसे ऑकवर्डनेस है, कैसे एक ट्राई कर रहा है अभिषेक, और कैसे रिंकी के लिए, मतलब रिंकी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है अभिषेक के लिए, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। बट हाँ ऐसा कुछ मतलब लव स्टोरी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली कुछ ऐसे नुआंसेज और ऐसी छोटी छोटी रोमांटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी और आई होप जनता इन्जॉय करें। पर आप मिस नहीं कर रहे हैं वो टिपिकल रोमांस ऑफ हिंदी फिल्म, क्योंकि एवरी एक्टर वांट्स टू ऑन स्क्रीन रोमांस, राइट? आप नहीं करते? हाँ, मतलब ऐसा मिस नहीं कर रहा हूँ राइट नाउ, मतलब मुझे लग रहा है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि बहुत डिफरेंट और अलग स्टोरीज करने को मुझे मिल रही हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो सारे कैरेक्टर्स करने में और वो सारी स्टोरीज करने में और डिफरेंट वर्ल्ड्स और वो सारी चीज़ें करने में।